जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या कर दिया गया है, देखिए कुछ महीने पहले 3 अप्रैल 2022 को क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अपर के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और उसके बाद में उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था। अब इनके मेन्स एग्जाम संबंधी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, शॉर्ट रूप से मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 3 जून 2022 को इनके द्वारा पोस्ट को अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022, मतलब इनके द्वारा जो है आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी था इनके द्वारा 10 अगस्त के अंतर्गत पे जो भी था इसके अंतर्गत वो जानने के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 अप्रैल 2022 को इनकी प्रारंभिक परीक्षा जो थी आयोजित की गई थी और इनका परीक्षा परिणाम 26 मई को जारी कर दिया गया था, ठीक है। जो इनके था और विज्ञप्ति संख्या जो था वो 30 मई द्वारा इनके द्वारा क्या कर दिया गया था, रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। अब इनके द्वारा क्या कर दिया गया है कि जो इनका मेन्स एग्जाम होना है तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए UKPSC के द्वारा नया साइट जारी कर दिया गया है, www.upsc.uk.gov.in के अंतर्गत पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसका जो भी एग्जाम है, एग्जाम का जो मेंस एग्जाम है उसका जिसके अंतर्गत पे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 20 अगस्त 2022 से 23 अगस्त 2022 तक हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी नगर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा है, तो आवेदन करने एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत है। इसके अंतर्गत की बात करें तो 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के अंतर्गत आपका मेंस एग्जाम होगा अपर के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे, और इसका जो मुख्य परीक्षा है तो आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जो नेट बैंकिंग के जरिए या डेबिट क्रेडिट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं 4 जून 2022 शनिवार से आप जमा करना स्टार्ट कर चुके हैं। और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत पे मुख्य परीक्षा है तो आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करने के लिए डेबिट क्रेडिट के लिए क्या है 18/6/2022 तक अंतिम तिथि इसकी 18 जून के अंतर्गत पे, ठीक है। 4 जून से लेकर आप 18 जून तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका एग्जाम सेंटर की बात करें तो 3 एग्जाम सेंटर उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे 3 बनाया गया है। एक बात करें तो हरिद्वार का कोड नंबर 1 है, देहरादून का 2 है और हल्द्वानी का 3 है, ठीक है ना। देखिए हरिद्वार और देहरादून तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे और कुमाऊं मंडल वालों के लिए नजदीक कौन सा है, हरिद्वार, हल्द्वानी हो गया, ठीक है। वैसे तो हो गया, लेकिन फॉर्म फीस के लिए बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पे। अनारक्षित अनरिजर्वड कैटेगरी के लिए कहें या जनरल कैटेगरी के लिए कहें तो आवेदन शुल्क 250 रुपये है और प्रोसेसिंग शुल्क 26 रुपये समथिंग पैसे और टोटल 276 रुपये 276 रुपये 55 इतने पैसे इतना कटेगा, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे है और उत्तराखंड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 126 रुपये 55 पैसे इसके अंतर्गत पे हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 176 रुपये 55 पैसे हो गए और शारीरिक दिव्यांग के लिए 26 रुपये। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए क्या है, कोई शुल्क इसके अंतर्गत पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। जिसका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत पे जो जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका था तो अब क्या कर सकते हो, मेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेन्स का एग्जाम कब हो जाएगा, अगस्त के अंतर्गत पे हो जाएगा और इनका जो मेन्स का है अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 18 जून के अंतर्गत पे 4 जून से लेकर 18 जून 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लिखा गया 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी के अंतर्गत पे इसका एग्जाम इनके द्वारा कंडक्ट करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है, तो इनके द्वारा क्या है कि जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे अपर के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था प्री का एग्जाम, तो जो क्वालिफाई हो चुके तो उनके लिए जो मेन्स एग्जाम डेट है उसको जारी कर दिया गया है, ठीक है। यदि आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप मेन्स के लिए क्या कर सकते हैं, इसका 4 जून से 18 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का इंफॉर्मेशन हमें यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इंफॉर्मेशन आएगा तो हम इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।